पोइट्री और उसमें क्या है, मैं पोइट्री लिखता हूँ मेरी मर्जी में सोचा हूँ। उस पोइट्री को 5 आदमी सुनते हैं तो ठीक है, 50 सुनते हैं तो ठीक है, 500 सुनते ठीक है, और कोई भी ना सुने तो भी ठीक है, मैंने तो ठीक है। उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट क्या है, एक पेपर हो गया। फिल्म इज एन एक्सपेंसिव एक्सरसाइज, फिल्म नीड्स बिग कैपिटल एंड कैपिटल कम्स विद एन एजेंडा। कैपिटल कभी ऐसे नहीं आता, उसका पैसा वो एक एजेंडा है, उसका पैसे तो मैं दे रहा हूँ, इस्तेमाल कैसे हो तो मेरा लार्जर इंटरेस्ट है, उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ नहीं। तो आज सच ये है कि जो लोग कुछ कहना चाहते हैं उनके पहले तो फर्स्ट स्टेज में जो लोग बैक करते हैं वो डरते हैं, जो सेंसर है वो डरता है। तो हर जगह पे जो फियर है अच्छी फिल्म बनाने की या रियलिस्टिक फिल्म, वो पैसे से बढ़ सकते हैं। लेकिन बाकी लोग जो हैं वो तो एक्सेप्ट करते हैं, क्या भाई यही आदत है, हम लोग वीडियो बनानी है, पैसा कमाना है, तो कैसी बन सकती है, जैसी बन सकती है वैसे बना देते हैं। और हमको कौन सा पंखा रहना है, हमको पैसेंजर थोड़ी है, हम तो फिल्म नहीं कर रहे हैं, हमारा काम लोगों को डिटेन करना है, जैसे भी हो सके हो जाए। दूसरे पेंटिंग पोइट्री शॉर्ट स्टोरी, आई एम फ्री एम द मास्टर, मुझे किसी पर डिपेंडेंस नहीं है। डिपेंडेंट बहुत लोग होते हैं फिल्म बनाने जो मुझे मजबूत होता हूँ, लेकिन वही मैं क्या फिल्म में जब लिखूंगा इसको सब कुछ लिख सकता हूँ, ऐसा है मैं यहाँ बैठ के कुछ भी कह सकता। तो आप कई बार कह चुका हूँ, फिर कह देता हूँ अगर किशोरी किसके साथ लिख रहा होता तो तीन का मंदिर घर में जो है किशोरी की मूर्ति के पीछे खड़े होकर बोल रहा है, और सामने हिमालय की मंदिर के भगवान की आवाज़ है। तो प्रॉब्लम हो जाएगा जावेद अख्तर है बहुत सब की गई, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं दूसरी फिल्मों में देखता हूँ कि जरा सी बातें पहले नहीं। चलिए जवाब में आसानी से और माइक और जुड़ना चाहे सर। इनफैक्ट मैं तो चाहता था अभी माहौल की बात भी है, हाउ मच इज अ स्टेट रिस्पॉन्सिबल, अ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट दिस एनवायरनमेंट? नो इट्स सो इजी टू ब्लेम द गवर्नमेंट, दैट्स नॉट फेयर, दैट्स नॉट फेयर। बात ये है कि बहुत सारी समाज की ताकतें में काम करती हैं, दे हैव डिफरेंट आइडियोलॉजी, दे डिफरेंट आइडियोलॉजी, तो ये एक फैक्टर नहीं, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। और एक बात याद रखना कि दुनिया में जो कुछ होता है उसको अगर खोद के और सारे पर्दे छुटा के और उसके सारे छिल्लियाँ छुटा के देखो, अल्टीमेटली हिंदुस्तान रिच कंट्री, हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की की है ये हमें बताया जाता है, और हमें ये भी बताया जाता है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जाता है। वही कैसे तरक्की कर ली तुमने कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ता है? ये भी इंसान, इनको तो आपको ताली बजानी है। हाँ आपने इस वीडियो में लगावनी है, वो रात बड़ी लगावनी, रात बड़ी लगावनी। ये जो आप वर्ड बोल रहे हैं ये मैंने अभी तक लिखी बैठे बैठे मैं समझ गया कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कौन सी पोएम का लेकर कर रहे हैं। हाँ तो है क्या, मैं तो कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हूँ, मैं इतना कोई मेरे एक दूसरे बोल रहे थे रही है जिससे मुझे खुद को नहीं पाती आता है। मैं 1965 पर फिल्म पर जल्दी में गया था, आई वॉज 20 और तब भी मैं लिख ले रही थी। मैंने पहली पिक्चर 20 साल कम्प्लीट होने से पहले लिखी। तो मुझे क्या कहते थे बेटा, एक बात कहानी ऐसी लिखो, स्क्रिप्ट ऐसी लिखो जो छोटे शहरों में चले। इसलिए बड़े शहर हैं कितने, इन बड़े शहरों के जो थिएटर हैं उनके रेंटल इतने हमारे कि हमें भी पसंद होता है। पैसा असल में छोटे शहरों में। तो ऐसी कहानियाँ कि जो छोटे शहर वाले। आज मुझे साल मेरी पिक्चर अगर यूपी और बिहार में रिलीज ना होने वाली, मैं उनके लिए फिल्म बना ही नहीं। मैं बना रहा हूँ मेट्रोस के लिए और डायस्पोरा के लिए। इन द बिग सिटी बॉम्बे, बेंगलोर, कैलकाटा, दिल्ली, दे अप्रिशिएट माई फिल्म एंड द एलीट ऑफ द सिटी अप्रिशिएट माई फिल्म एंड द डायस्पोरा आई एम होम। मुझे परवाह नहीं छोटे शहरों वो इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी नहीं है, लेकिन अननोइंगली वो कह क्या रहा है कि छोटे शहरों में तो पैसा ही नहीं है, पैसा तो सारा बड़े शहरों में। मैं वहाँ की झलक मानू। ये पिछले 40-50 साल में होता है कि जो वेल्थ है नेशनल तो सिमट के बड़े शहरों। You see this accident. लोगों को पता है कि अगले 10-12 साल में 15-20 करोड़ आदमी आ जाएंगे गाँव से शहर। तो ये क्यों हो रहा है? भाई जहाँ गुड़ है वहीं छुट्टियाँ आएंगी। अब गुड़ सिर्फ बड़े बड़े शहरों में बचा। तो ऐसा नहीं कि वेल्थ इंक्रीज नहीं हुई, उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम नहीं करता। वो ट्रिपलेक्स एरिया है, प्रिविलेज सेक्शन तक सोसाइटी है उनके पास। हाँ, पर्सनली मुझे शिकायत करने का कोई हक नहीं। आई ऑन दैट साइड वे आई एम गेटिंग अ मच खुशी लाइक दैट 100 पीपल, लेकिन सच तो यही है। तो ये जो डेवलपमेंट है दिस इज नॉट राइट। दिस कैन ओनली क्रिएट एंगर, फ्रस्ट्रेशन एंड बीच में रिजल्ट है नहीं। बीच में ये हकीकत है जिसको हम लोग देख नहीं रहे और उसके बारे में सोच नहीं। एक और चीज़ है जिसके बारे में कभी बात ही नहीं होती। हमारा कल्चर जो है महाराष्ट्र कल्चर, गुजराती कल्चर, बंगाली कल्चर, यूपी का अवध का कल्चर, ये सिमट रहे। हमारी जो यंगर जनरेशन है उसको आपकी जरूरत है। ये तो मैं इसका आपकी मिसाल इसलिए दूंगा कि महाराष्ट्र कल्चरली एक्सेप्शनली नेचर है। आप उसकी म्यूजिक ले लीजिए, आप आर्ट ले लीजिए, आप उसका नृत्य ले लीजिए, आप उसका लिटरेचर लीजिए, आप उसका थिएटर लीजिए, उसका फोक लीजिए। ये यंगर जनरेशन के पास जाने का तो सिमट रहे। और जब हम जब पूछते हैं कि हम कहीं से बिलोंग करते हैं कि बिल्डिंगों से बिलोंग करते हैं, सभी एक जैसी होती है। हम जमीन क्या करें, मिट्टी खाई करें, राइट। जो उसके संस्कार और संस्कृति रही है, जो उसकी भाषा, उसके ट्रेडिशन, उसकी वैल्यूज है, जो उसका फोकलोर है, जो उसके फोक गीत है, जो उसकी रस्में हैं, रिवाज है, जब वो आदमी जानता है तो जमीन से जुड़ता है, तब पता होता है। और वो जड़े जो है ऐसे कटने की रहती है। हमारे यहाँ क्या हो गया है कि जो भी वर्थ कंपनी वो अपने बच्चे को भेजता है इंग्लिश मीडियम स्कूल, बिल्कुल सही करता है। एक सेकंड को ना समझिएगा कि आप टोटली फॉर एवरी चाइल्ड ऑफ दिस कंट्री शुड नो इंग्लिश एंड गुड इंग्लिश। वो जो एक विषय है ग्लोबल विलेज तो हो रहा है, वो आपका इंग्लिश के बिना काम नहीं चलेगा। वो जो भी आप, लेकिन इट शुड नॉट बी एट कॉस्ट ऑफ द मदर टंग। आप कुछ भी मदद करने की बात पेमेंट जो है मतलब कम से कम वो क्या रहा है कि मदर टंग कहाँ जाती है, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मराठी हो, पूरे उसको इसलिए कि जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे को वो भेजता है वो वर्नकुलर। जब गरीब से गरीब बच्चा जाता है तो भाषा जो है पानी की तरह होती है, किस बर्तन में डालो वो शेप ले ली। अब इस कलमी कसीली डिप्राइड तब बिटर लाइफ में जब वो जबान जाएगी तो धीरे धीरे वो बिटर होगी। उस सब में जो है ऐसे ही स्कूल का कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड जिंदगी से कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, स्मूथ नहीं है, स्वीट नहीं है, वो सारी करवाहट है इंटरनल उसकी जबान। फिर हमारे जो बच्चे प्रिविलेज हैं ये जाते हैं मास मीडिया में, टेलीविजन पे, फिल्म में, एडवर्टाइजिंग में। अब इन्हें 25 साल की उम्र में पहली बार मदर टंग की जरूरत पड़ती है तो कहते हैं कहीं जरा देखो कहाँ है वो ढूंढ के लाओ, तो वो फिल्म में मिलती है और वो फिल्म में लाके टीवी में इस्तेमाल की जाती है, एडवर्टाइजमेंट में इस्तेमाल की जाती है। तो लोग सुनते यही होगी जबान, तो जबान सीढ़ियाँ नीचे उतर गई। अब ये ऐड है उसमें क्या मेरे को लेट हो रहा तो लड़की पूछी अब लेट नहीं होना तेरे को, अब जब वो मेरे को लेट हो रहा है अब तेरे को लेट नहीं हो रहा तो टीवी में देख रहा है नहीं तो सोचेगा यही सही जबान है, मैं लेट हो रहा हूँ नहीं अब तुम लेट नहीं हो रहा, नहीं मेरे को लेट हो रहा अब तेरे को लेट नहीं हो रहा। ये ऐसे है आपने नहीं देखा हो कॉन्स्टेंटली जो जबान आती है मास मीडिया में वो एक खराब जबान आती है। तो अल्टीमेटली थोड़ी बहुत जो बच्चा देख रहा है क्योंकि उन्हें ये जबान और उस बच्चा ये जबान है। अब आप जब आपकी लैंग्वेज खोएंगे तो लैंग्वेज सिर्फ बेहतर नहीं है कम्युनिकेशन का, खाना खाओगे, घर जाओगे, पानी पियोगे, ये नहीं है। लैंग्वेज में ही तो आपका कल्चर चलता है, लैंग्वेज में ही तो आपकी संस्कृति, आपकी ट्रेडिशन, आपका धरोहर चलता है। आपने लैंग्वेज काट दिया आदमी की जड़ें काट दी। तो ये लोग वहाँ चले घूम रही हैं श्रम में, तो यहाँ बन रही हैं शाखें ब्रांचेज, पूरा पीरियड नहीं है ठीक है ये काम आपको दिखाई दे, ये ऐसे ही नहीं हो रहा सब कुछ हो रहा है हवा में नहीं होती चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर जोड़ के आपको इस चीज की सुरक्षा करे आप तो उस चीज की तैयारी नहीं बनी उसका उसको बंधन की रिश्ते की बचा नहीं। ये हमारे लिए ये तो कल्चर जो धर्म से बाहर और धर्म से ज्यादा और भी आप कितने भी 15 मिनट करेंगे आप क्या करेंगे आधे घंटे कर लेंगे उसके बाद तो आ जाएंगे सेकुलर वर्ल्ड में। पैसा तो वही वाला लेंगे कि दूसरा लेता है, धंधा तो वैसे ही चलाएंगे चलाते हैं। आपकी ग्रीड, आपका प्यार, आपकी लालच, आपकी दोस्ती, आपकी सब कोई होगी तो दूसरे आप 15 मिनट को किया अब उसको आपने दबा के पूरे में डाल दिया वही पूरे वक्त आप सोचते हैं इस लैंग्वेज को, उस लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ से आई है, उसने क्या क्या कहा है, क्या क्या लिखा है, क्या क्या कहा है। हम लोग जो है ना उर्दू में हमारा बड़ा दिमाग खराब होता है, हम अपने आगे समझते नहीं तो हम तो कुछ समझते नहीं। मैं जब गया तो मैंने ये देखा टेंडुलकर साहब के प्लेम देखे, उसके बाद मैंने मराठी पूछी। मेरे दोस्त हैं आनंद जोशी जो कि पूना में रहते हैं, सर्जन बनी मराठी ट्रांसलेटेड तो मुझे तो मुँह खुले तक मिला लगा तो मुझे तो सब पता ही नहीं। कमाल की बात है भाषा में बनी थी एक दूसरे से बात करने के लिए, भाषाओं की वजह से बात नहीं हो पाती। तो अगर बच्चा जो मराठी बच्चा उसे बात नहीं पता है या उसे नहीं बताई गई उसके साथ आप जब उसे कैसे करते हो जमीन से प्यार करें, आप यही उसे करें। और एक बहुत ज़रूरी बात है, जहाँ आप इस जबान को एडवर्सी कर रहे हैं, यूर वेरी ओपन कि ये और समृद्ध हो, इसमें लफ्ज़ और बढ़े। आप जो कभी मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करना चाहते हैं, कहता है वही कभी मेरी लॉन्ड्री का एक बिल ये भी कहता है आज की जनरेशन से बात करने की। सो लैंग्वेज हैज़ टू ग्रो एज वेल। देखिए गीतों में किसी जनरेशन की बात नहीं करता था, बात क्या है कि जो गीतकार है या डायलॉग राइटर ये कैरेक्टर की तरह होता है। ये गीत मेरा नहीं, मेरी नोटी ये गीत ग्रुप का है जो फिल्में आपने देखा, इस तरह का ग्रुप ऐसा गीत लिखे मैंने लिखा, ये मेरी थॉट नहीं, ये ग्रुप की थॉट। तो जैसे एक्टर जो है, अगर एक एक्टर एक साल को बदल कर बॉस्टन स्टोरी जो ऑस्कर में, तो इसके मतलब नहीं कि वो उसमें कहा जाए मर्डर करना बड़ी अच्छी बात, वो रोल का डायलॉग राइटर और सॉन्ग राइटर भी रोल प्ले। मेरी जो अपनी पोइट्री है जो मेरी किताब में छपी है वो मेरी, ये मेरे विचार आना, ये तो मैंने कमीशन बोला बंद। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सेल्फ सेंसरशिप क्या चल रहा है? सेल्फ सेंसरशिप तो एक अच्छे सेंसिबल राइटर और अच्छे डायरेक्टर्स में होती है, ऐसा थोड़ी जो पहला थॉट आया उसने लिख दिया। वो भी सोचता है सही है, उनके शब्दों का इस्तेमाल सही है गलत है, या एक बार स्लो में रिव्यू किया तो फिर वापस पढ़ रहा है ये लाइन ठीक है, ये लाइन जो है ये बात को कहीं और ले जाता है। तो ये जो सेल्फ सेंसरशिप है वो तो किसी भी कॉम्पिटेंट राइटर को बहुत आसान राइटर होगा कि जो एक बार लिख लिया बस बहुत अच्छा, उसे बहुत से और देखिए तो वो बात ठीक नहीं है। तो सेल्फ सेंसरशिप तो ठीक, बट वॉट अवे और वॉट कॉज, अरे ये मुझे नहीं होना चाहिए, ये तो हो सकता है सरकार माना सकता है, जैसे ये मुझे नहीं देखना चाहिए, वो तो आए जो फंडामेंटल लोग हैं वो मुझ पर हमला करते हैं। सेल्फ सेंसरशिप ये होनी चाहिए कि ये गलती बात है, ये अच्छी नहीं है, ये जरा सी बेकार में दिल दुखाने वाली होगी, शायद ये मैं ना करूँ, मैं ये बात सुना किसी का दिल दुखाए भी कह सकता हूँ, तो यूँ कह सकता कम से कम मुझे हर आदमी की अपनी राय और हर आदमी अपनी राय। लेकिन सेल्फ सेंसरशिप वजह से आप अपनी बेसिक वैल्यूज चेंज कर लें, वो कहेंगे तो हम वही जो हमारे दिल में कैसे कहेंगे। और इसके अलावा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पूरा ठीक, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया में कोई भी फ्रीडम वो कंप्लीट नहीं, अनकंडीशनल कोई फ्रीडम नहीं। आपको फ्रीडम है कि आपको निकाल में जो आपने बार बार की है बैठ के घर चले जाए, अगर आपको लेकर चलाना पड़ेगा। तो जो फ्रीडम है मूवमेंट की हो, राइटिंग की हो, कॉन्वर्सेशन की हो, लिविंग की हो, वो अनकंडीशनल नहीं हो सकती, वो तो वाइल्ड लाइफ हो जाएगी, जंगल की जिंदगी हो जाएगी, तो उसमें कंडीशन तो अब वो कंडीशन किस हद तक होगी उसके बाद हो सकती है। सर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पेश के हैं, अरे भाई परफेक्ट तो कोई नहीं है मैं इसलिए कह रहा हूँ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से भी आपको आपने बहुत पास से देखा है ओवर द इयर्स। एक जो कॉपीराइट बिल था जो पेश हुआ उसमें यू हैव प्लेड अ बिग रोल। हाउ हैव द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस चेंज्ड ओवर द लास्ट 40 years? How have the democratic institutions changed? एक बिल आपने लाया था और एक लॉ बनाने के लिए। मैं तो नहीं लाया था, मैंने उसे सपोर्ट किया था और किया था और लोगों के पास जाके डिफरेंट पार्टीज को बताया था कि और हमारे जो राइटर हैं या हमारे म्यूजिशियन हैं, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे बुक हो, या फिल्म, उनको उनका जायज हक नहीं मिलता, राइट फ्रॉम पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी। तो वो वजह था कि कंपनी है, उनका कंट्रोल था, वो अपनी मर्जी के कॉन्ट्रैक्ट में आपसे सिग्नेचर लेते थे और सारी दुनिया से आपके नाम से रॉयल्टी भी जमा करते थे, मगर वो उनके पास आपको नहीं करते, इसलिए वो रॉयल्टी का, आपकी रॉयल्टी का सारा राइट आपको दे देते थे। तो उनको हमारे बहुत सारे जो बड़ा उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, बड़े बुरे हालात में। तो एक का बिल आया जो कि आज हुआ 2012 में, पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ 2017 में। एक आप राइटर से प्रपोजल से रॉयल्टी का राइट यही है और जिस एग्रीमेंट में ये राइट राइटर या प्रपोजल से लिया गया रॉयल्टी का, वो एग्रीमेंट लीगली नल एंड वॉइड है। तो उससे बहुत फर्क पड़ा और आज बहुत सारे प्रपोजल्स को, बहुत सारे राइटर्स को ऐसी रॉयल्टी मिल रही है कि जो ऊपर सोच भी हाँ, मतलब उस मैं इस लिहाज से पूछ रहा था सर कि एक जब बिल आता है तो जितना गवर्नमेंट का सहभाग होता है उतना ही शायद ऑपोजिशन का सहभाग होता है। व्हेन यू वर एडवोकेटिंग इट, आपने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया था जब एक कानून बनता है तो क्या उसका प्रोसेस होता है। तो हाउ हैज एंड दैट वुड बीन सीन फॉर द लास्ट 50 years। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू ask you कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस किस तरह से बदले और यू सी एनी चेंज। अरे भैया, अगर 90% ऑपोजिशन के अपनी सड़क पे खड़े हुए होंगे, निकाल देंगे आप, उसके बाद जो बिल पास होगा तो उसमें उनको छुपा कोई इसके लिए कोई आपको लाल मुजक्कड़ होने की या कोई बहुत बड़े जीनियस होने की जरूरत नहीं। कुछ बदले जब ज़्यादातर ऑपोजिशन बाहर खड़ी है, उसके बाद जो बिल पास हो रहा है तो ऑपोजिशन का क्या पार्टिसिपेशन। आप साफ बताइए, आप मुझे कहलवाना चाहिए, आप मुझे बता दीजिए, मैं कह दूँगा। आप कहिए साहब, मैं चाहता हूँ ये पढ़िए, मैं आपके साथ मैं एग्जैक्ट यूनिवर्स में बोलिए। मैं बस इतना चाहता था कि आई एज अ विटनेस in democratic institutions, do you see there has been a considerable change in the way laws have been created in this country? I'm afraid that so democratic changes हो रहे हैं। I am really honestly not read them. There is some hue and cry about it, but I cannot have a personal opinion since I have not read them. That's what I mean. लेकिन मुझे यकीन है कि वो और ज़्यादा कंजर्वेटिव या स्ट्रिक्ट हो गए लोगों में, ऐसा कॉमन सेंस है। अभी थोड़ी फिल्मों की तरफ आते हैं। वी हैव डाइग्रेस्ड इनफ। सर, जब आप बम्बई आए थे, दिस वाज 65 हाँ 64 के दौरान में अक्टूबर में आया था, दो महीने पैसे गुजर गए। फिल्म इंडस्ट्री में आया 55। तो उस जमाने में हमने ऐसे सुना है कि जो राइटर्स की एक जो हालत थी वो बहुत बुरी थी। कई बार क्रेडिट नहीं दिया जाता था, पैसे भी कम लिए जाते थे। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। सही है, खैर इतने पैसे थे भी नहीं जितने आज हैं, इससे तो बर्डन थे, लेकिन उनमें राइटर्स की इम्पोर्टेंस कम थी। कुछ बड़े राइटर थे, पंडित रघुराम शर्मा अपने समय में, उन्हें बड़ा नाम था उनका। इंदिरा जानन थे, अबरार अली थे, गुड डायलॉग लिखते थे, गुरुदत्त के, ऐसे कुछ 4-6 राइटर थे जिनका नाम था। लेकिन उनका ना बोर्ड पे कभी नाम होता था, ना एड में नाम होता था, ना उनको पैसे पड़ा, बहुत कम पैसे। तो फिर हम लोग जब सीन पे आए तो हमने प्रोटेस्ट किया, झगड़े किए, काफ़ी बदनाम भी हुए, रेपुटेशन भी इस मामले में बड़ी खराब हुई। लेकिन ये वो कह रहे हैं कि यू हैव टर्न ऑन मेनी फीट। भाई वो फीट तो होने नहीं चाहिए, तो ये सब हुआ, लेकिन हमने सारी की कंडीशन बनवाई, बोर्ड के नाम होना, पोस्टर का नाम होना, प्रॉपर पब्लिसिटी, गुड प्राइस, रीजनेबल प्राइस, तो ये सब हुआ। लेकिन फिर हम लोग जब अलग हो गए 11 साल के बाद, 11 साल में सब कुछ हुआ था, लेकिन फिर वो धीरे धीरे कुछ थोड़ा सा फिजल आउट हो गया। मुझे मालूम नहीं क्या आगे के एवरेज राइटर क्या लेता है, लेकिन ये कि बहुत कॉम्पिटेंट राइटर है, बता दूँ आपको, ऐसा नहीं है टैलेंट की, मगर ये कि उनका उतना नाम नहीं होता, उनको उतना क्रेडिट तो डेफिनेटली नहीं मिलता है जो मैं मिलना चाहता। आप देखिए OTT जो अच्छे प्लेज हैं, जो सीरियल हैं या फिल्म, OTT हाउ वेल रिटन, मैं तो उन्हें देख के सोचता हूँ कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मुझे बड़ी मैं देख के एनवी होती है, मगर मुझे मालूम नहीं कि उन लोगों को कितना अच्छा पेमेंट है, कितना क्रेडिट, पेमेंट के साथ क्रेडिट बहुत जरूरी है कि लोगों को मालूम हो कि काम किसने किया है, तो वो ज़रा कम पता होता है, ये अच्छी बात नहीं है। सर, आप व्हाइल वर्किंग एज यू सेलिंग जावेद, व्हाट वाज द अप्रोच टू राइटिंग द स्क्रिप्ट? अभी खैर बहुत सारी किताबें आ गई हैं, स्क्रीन राइटिंग सिखाया जाता है, स्ट्रक्चर के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, उसके बाद हमने तो अपनी ज़िंदगी में एक किताब स्क्रीन पे नहीं पढ़ी। मैं तो अपनी मिसाल देता हूँ कि जैसे गरीब बच्चे को गैरेज में नौकरी दे देते ना, थोड़ी बार मैं मोटर ऑटोमोबाइल की मैकेनिक, तो पहले उससे खाना उठा के ला, वो बोला पेचकश ला, वो ये ला, तो लाला दे देता है, धीरे धीरे कर देता, धीरे 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 करके वो वैज्ञानिक हो जाता। ऐसा ही हमने कोई हमको किसी ने न ट्रेनिंग दी, न किसी ने बैठ के बताया बेटा स्क्रीन पे ऐसा लिखा जाता, ऐसे ही ठोकरे खाते खाते लिख लिया। असिस्टेंट डायरेक्टर होते थे, पहले देखते थे क्या है, लिटरेचर बहुत बड़ा हुआ था, ये सब वो तो बहुत बड़ा था, मतलब for many years in my young days I have been a chain reader, chain smoker होते हैं, एक खत्म हुई फौरन, वो नहीं कि कल से दूसरी, उसी के साथ दूसरी चुनौती, ऐसे मैं नॉवल पढ़ता था। तो बहुत दिन हो गए, क्या खुशी मना रहे हैं, और था बोल रहा हूँ मैं, है नहीं है, अब नहीं पढ़ता है, तो वो काम है जो लिटरेचर की रीडिंग थी। और धीरे धीरे स्क्रीन प्ले का थोड़ा क्या समझ में आया, डायलॉग इतनी मुश्किल नहीं थी, तो लैंग्वेज तो आती थी, और पढ़ा था अच्छा, थिएटर में देखा था, अच्छे माहौल अच्छे प्लेयर पढ़े, तो उसका कसर था। सर, असिस्टेंट से एक याद आया, एक वाक्य आपने कहीं बताया था, जब आप कमाल रोही जी के असिस्टेंट होते थे और आपने गाने का गीत दिया किसी म्यूजिक कंपोजर, जो हम आपके उन्होंने आपको गाने का ब्रीफ उस म्यूजिक कंपोजर को देने को कहा था, जो आपने ट्रांसलेट किया। वो तो बात असल में जब लैंग्वेज पे होती है तब आपको पूछते हैं, कभी कभी ये प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज का एक चक्कर होता है। प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज है, देखिए आपको जो बता रहे हैं आप उन्हें पढ़िएगा, सही कह रहे हैं, अगले क्वेश्चन से हमें पता चल जाए। तो वो लैंग्वेज जो है एक चक्कर प्योरिटी होती है, आजकल ये बहुत चल रहा है चक्कर। अभी दिल्ली पुलिस ने कोई 150 वर्ड दिए हैं, अनाउंस किए कि साहब ये मत इस्तेमाल कीजिए, इसकी जगह ये मुजरिम मत कहिए, उर्दू का वर्ड इस्तेमाल किए, बहुत मुश्किल है, मुजरिम कोई समझता नहीं है, अपराधी कहिए, और या कहिए क्रिमिनल, अंग्रेजी बोल दीजिए, अंग्रेजी में कोई गलत नहीं, उर्दू नहीं बोलिए। तो ये ऑर्डर 100-200 वर्ड भेजे, पता नहीं मतलब पुलिस लैंग्वेज टीचर कब से बन गई है, तो ये लैंग्वेज को सिखा रहे हो, तुम्हारा काम नहीं है और तुम्हें आती भी नहीं, तो तुमने ट्रांसलेशन भी किया गलत किया कि ये बोलो ये बोलो गलत, बहुत गलत। तो कुछ लोग प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज को बहुत तोड़ देते हैं, हिंदी में भी, उर्दू में भी। तो वो लैंग्वेज बुनियादी तौर पर तो बनी है कि मैं कहूँ और आप समझें, आप कहें और मैं समझूँ। अगर वही पर्पज सर्व नहीं हो रहा तो कुछ भी पर्पज सर्व होना होगा। आपके रेफ्रिजरेटर ठंडा नहीं होता, उसमें नहीं होता तो वो कोई अच्छा रेफ्रिजरेटर नहीं है। क्या आपने बोला हाथ जल्दी हो, अब रेफ्रिजरेटर में से आवाज़ निकलती है। भाई रेफ्रिजरेटर यूज के लिए नहीं होता है, रेफ्रिजरेटर चीज़ों को ठंडा रखता। आपका रेडियो ठंडा रहे और उसमें आवाज़ ना आए तो ये बेकार रेडियो होता है। तो जो बेसिक पर्पज है किसी भी चीज़ का, पहले तो वो सर्व होना चाहिए ना, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या है। अब हमारे उर्दू दूसरी तरह के लिखते थे, मेरी उर्दू नहीं है तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन लक्ष्मीकांत के प्रधान को ये कहा कि देवनागरी यानी हिंदी लिख के उन्हें भेज दीजिए लक्ष्मीकांत। फौजी पाल लक्ष्मीकांत तो मैं जी, तो मैंने देखा तो मुझे वो पूरा तो याद नहीं, मुझे एक लाइन याद रहेगी। सालार जमात मिस्र उला की नगमा संगीत में मजनू फैदा कावती के दीगर असान जमात मिस्र असानी के बाकी अफगान के दायरे। इसका मतलब ये लीड वॉइस पर्सनैलिटी पूरी सेकेंडरी सालारे जमात मिस्र उला की नगमा संगीत में मजरूफ है दावत के दीगर असाबे जमात मिस्र असानी के मटिया रकाम की अदायगी कर रहे हैं। तो उन्होंने फिल्में छोड़ दी। तो उन्होंने कहा भैया हमने तो हिंदी के लिए लिया था, ये कौन सा काम करवाना है, और पता नहीं ये लीगल भी है कि नहीं। तो ऐसे आजकल आपको हिंदी भी सुनने को मिलती है। किसी ने पूछा था आपने हिंदी में समाचार सुने, दूसरे ने कहा नहीं मैंने समाचार में हिंदी सुनी। तो ये जो प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज है या मिथ, ये बेकार। मैंने मिसाल बहुत बार दी है, उम्मीद करता हूँ आप लोग तक नहीं पहुँची होगी, इसलिए मैं आज उसे कहना चाहूँगा। मैं एक पैराग्राफ सुनाता हूँ और फिर उसको एनालाइज करता हूँ। एक मकान के एक कमरे में एक गोरा चमचा आदमी एक नन्हा मुन्ना बच्चा पार्टी से आए। बावर्ची ने नाश्ता किया जिसमें उड़द की दाल और गोश्त थे। आदमी उठा, छिल हटाई, संदूक खोला, पिस्तौल निकाला, दीवार पिटली, बंदूक ली, बाहर रिक्शे में बैठ के चला गया। बच्चा बेबस देखता, कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी पॉइंट जो आपकी समझ में नहीं आया, कोई नहीं। अब इसे एनालाइज करें। मकान अरबिक, कमरा इटालियन, इन कैमरा कमरा जो है इटालियन, पार्टी किससे नहाए थे वो पुर्तगाली। गोरा चिट्टा में चिट्टा पड़ जाती है, नन्ना मुन्ना में नन्नो गुजराती है, बच्चा इधर पर्शियन, चिप टर्किश, बावर्ची पर्शियन, सॉरी टर्किश, चिप टर्किश, बावर्ची टर्किश, उरद तमिल, दोस्त इंग्लिश, संदूक टर्किश, पिस्तौल इंग्लिश, दीवार पर्शियन, बंदूक टर्किश, रिक्शा जैपनीज। बच्चा बेबस देखते रहा, बेबस। बस आपने इतनी जबानों के शब्द एक भाषा को प्रयोग करने के लिए सारे वर्ड निकालते हैं। कमाल की बात यह है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की डिक्शनरी चलती है तो कहते हैं इस साल हमने 50 ये नए वर्ड ऐड किए। दिल्ली की पुलिस ऑर्डर कर रही है कि ये 150 वर्ड निकालो। जमाने वर्ड निकाल के नहीं सुनता है, वर्ड को देखे। ऐसा नहीं है कि पर्शियन का वर्ड हमने ले लिया और वैसे का वैसे यूज कर उसको हमने गूंथ दिया अपनी समझ। जैसे कि हवा पर्शियन, हवाएं पर्शियन में, हवाओं पर्शियन में हम जैसे प्लूरल बनाते हैं वो हम अपने तरीके से। दुश्मन पर्शियन, दुश्मनी में हमने उसको दुश्मन नाउन था, उसको हमने एडजेक्टिव बना दिया है। बाय दुश्मनी कहते हैं दोस्ती, दोस्त पर्शियन वर्ड दोस्ती नहीं है, पर्शियन में आपको वर्ड दोस्ती नहीं मिलेगा। तो हमारी हर चीज़ में जो प्लूरल है या जब हम उसे एडजेक्टिव बनाते हैं तो हम अपनी ग्रामर, जो हमारी वो ग्रामर कौन सी है, वो ग्रामर हिंदी की भी है और उर्दू की। ये दुनिया की एक दो जबानें हैं कई और पैरल हैं जिनकी ग्रामर ही एक, ये दो कैसे में समझ नहीं आता, इधर से लिख दो तो हिंदी हो जाती है, उधर से लिख दो तो ये पॉलिटिकल सेगमेंट की जिंदगी बड़ी बोगस है, डिप्रेसिंग है। मतलब ये उन लोगों के हाथ में है जिनको भाषा की बात तो जानते हैं, पर्यटन तो वर्ग में आ गए तो तुम्हें नाम नॉर्थ इंडिया में निकालने पड़ेंगे। जमींदार जागीरदार सरकार ये सरनेम है, गुजरात में अमीर वकील शाह, ये पर्शियन वर्ड निकाल दोगे, दिमाग निकाल दी। मैंने ये पढ़ा था कि अंग्रेजी का शैम्पू ये वर्ड शब्द, हाँ तो ठीक है उसमें क्या है, अंग्रेजी की तो स्क्रिप्ट है वही उनकी इसकी नहीं, वो तो लैटिन की है तो क्या हो, अब कल को अंग्रेजी में सो जाए ये लैटिन स्क्रिप्ट फॉरन की, ये तो साथ इटली से आई ऐसे निकालो, तो चाहे वो फ्रेंच हो चाहे जर्मन हो चाहे इंग्लिश हो सबकी लैटिन स्क्रिप्ट है जो इटली से आई, तो क्या करें आगे ठीक है ऐसे थोड़ी है। तो फिर सिर्फ भाषा ही कोई भी चीज़ बाहर की है, मोबाइल फोन बंद करो, कार चलो बैठो, अरे ठीक है जिंदगी से थोड़ी चलती भाई, चीज़ें आती हैं उन्हें हम अपने इस्तेमाल का बनाते हैं और वो ठीक है चलती है, क्या है क्या बाहर अच्छा अच्छा कमा लिया जब बाहर अच्छा के बात करें इंग्लिश से तो उसका एक सब्स्टिट्यूट किया गया है कि फिर आप क्रिमिनल कह लीजिए, मुझे मैं कहिए क्रिमिनल सवाल। सर अभी वो सवाल जो मुश्किल है आपसे पूछा है, आज आप एलोरा गए थे वो अनुभव कैसा? जी एलोरा गया था, मैं पहली बार गया था और मैं बहुत डीपली टच हुआ और मैं फिर जाऊँगा इसलिए कि बहुत सही बात कही उन्होंने, हमारे दोस्त कह रहे हैं एक दिन का काम नहीं है कम से कम 5 दिन का। फिर दोहराऊंगा वो बात जो मुझे लगी, एक तो मुझे एक शर्म आई कि मैं अभी तक आया क्यों नहीं आया, जबकि हम बचपन से जानते हैं और नहीं जानते। दूसरी ये कि लोगों ने बनाया ठीक है काम सेफ का या पेमेंट लेके करना वालों का नहीं, ये जरूर जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनका आस पास के जो जमींदार राजा जो ऐसे लोग उन्होंने उनका ख्याल रखा होगा, उनके खाने का उनके रहने का उनके बच्चों का। लेकिन ये काम जुलूम से हो सकता है, ये 600 साल तक काट के ये ऐसी देश की गाथाएँ हैं उनको पत्थर में डालते रहे, इसके लिए जुर्म क्या है, इसके लिए एक बहुत ही गहरा वेद चाहिए, ऐसा नहीं होता। और ये जो जिद थी इस पहाड़ को काट के ये बना देंगे, अगर इस जिद का 1000वां हिस्सा भी हम लोग हो जाए तो हम इस देश को स्वर्ग बनाएंगे। अरे है नहीं बैठा था वहाँ काट रहा था पत्थर को, काटता रहा था कि वो मर गया, उसका बच्चा उसका बेटा रह गया, इसके पीछे ऐसा मतलब कमिटमेंट, ये गहरी मोहब्बत से अपने संस्कार और अपनी संस्कृति से ही आता है। हमें अपने बच्चों को ले जाके, छोटे बच्चों को ले जाके ये देखो ये कैसे किया। ये सिर्फ बिहार ही बड़ा लोग हैं, तो पूरे लोग उनके बारे में जरूर किया का एक उर्दू से रिश्ता रहा है। वलीद अख्तर हो या सिराजुल हो या अशरफ नवाज हो, इस तरह से आपके मेंटर हैं। आप में इन शायरों के बारे में अगर आपका कुछ है। देखिए उर्दू में बहुत पोइट्री है, अगर आप लोग वाकई सीरियसली इंटरेस्टेड हैं तो मेरे फादर ने 2 वॉल्यूम्स में कुछ 500 साल की 450 साल की पोइट्री एडिट की, जिसका टाइटल है हिंदुस्तान हमारा। उसमें हमारा हिंदुस्तान तो आपने सुन लिया था, हमारा तभी माइंड थोड़ा दूर हो गया। तो उसमें देश के जितने देवी हैं उनमें उर्दू में क्या इनके ऊपर क्या, इन देश के जो त्योहार हैं उनसे क्या, और आज नहीं 300 साल 250 साल क्या कोई, फिर सारे मौसमों पे शहरों पे अजंता में जो सबसे अच्छी पोएम है, कई पोएम है लेकिन जो सबसे अच्छी पोएम है वो इसी शहर के शायर के सिकंदर की वजह उनकी नज़्म में अजंता। ये तस्वीरें वदा है मुझे आके शहर में बहुत दिनों रहना पड़ेगा कि मेरी भी थोड़ी बहुत पोएट्री में याद। तो फिर दूसरा जो वॉल्यूम है वो एक तरह का पॉलिटिकल सोशियो पॉलिटिकल कि पिछले 200 बरस में जो आज़ादी की जंग हुआ, फिर पार्टीशन हुआ, फिर पार्टीशन के बाद जो हुआ, इसके ऊपर उर्दू में क्या पार्टीशन के ऊपर, पार्टीशन के बाद क्या, और जो चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस हो, चाहे वो डांडी मार्च हो, चाहे जो भी 1857 से महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर टीकों पे अपना ताकिया तोहफे पे ऐसे जो बड़े स्टार्स हुए हैं उनके ऊपर क्या पूछे। तो असल में यह गलत किन्नत ने उर्दू की बड़ी जगह मान ली है, उसे सोचो कि लोग समझते हैं इसमें महबूब और शराब यही उनकी बातें होती है। इसका जो रियल लिटरेचर है बनारस में, आप तो बनारस के हैं, एक पोएम है एक नज़ीर बनारसी एक पोएट, उन्होंने लिखी है गंगा के 3 रूप। सुबह गंगा कैसे लगती है, आपकी आंखों के सामने तस्वीर बना, आपकी आंखें भी गंगा की क्षमता और उसकी पवित्रता आपको कहीं भी बैठ के पढ़ना होगा। तो ये जो पोइट्री है ये लोगों तक नहीं पहुँचती और नहीं पहुँचती। मगर ये आप लोग ये अपना ये है राजकमल जो पब्लिशिंग हाउस है, आप तो आराम हो गया फोन पे बता सकते हैं। आप में से किसी तरह से भी क्यूरियोसिटी इस बात आप जरूर मंगा पढ़िए, जहाँ से भी चाहिए पढ़ लेंगे उसका लिखना पढ़िए, जो टॉपिक है ये कैसी जबान है। सर ये सवाल मेरा 21 कैरेक्टर से है और हमें आपका जो आप लॉजिक हो या रैशनल हो या कॉमन सेंस हो सभी बातें सही है, लेकिन फिर व्हाई वाज गॉड इन्वेंटेड इतने जो हजारों सालों की परंपरा में हमें क्यों उसको पकड़ के रखा। देखिए आप सोचिए हजारों साल पीछे जाते हैं कि बादल आते हैं उसमें बिजली चमक रही, बारिश होने लगी, सांप आया उसने काट लिया, मर गया आदमी। सर्दी आई, गर्मी आई, कभी कभी जमीन हिलने लगी, कभी कभी तूफान आ गया, फ्लड आ गए, डूब गए लोग। तो ये जो चीज़ें हैं, या फिर जमीन से फलोगे तरह तरह के फल आ गए, तरह तरह की चीज़ें जो खाने को मिल रही है, तो इसका सोर्स क्या है? ये कौन ये सब कर रहा है? ये सवाल तो नेटवर्क कि भाई ये कोई है, ये कैसे आया, मौसम क्यों बदल गए हैं, रात और दिन कैसे होते हैं, और ये बादल क्यों आते हैं और कभी नहीं भी आते, और ये सूरज इधर से निकलता है और कहाँ चला जाता है, ये चाँद उधर आता है, छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, कैसे होता है? तो जो इतने सवाल जब तो कोई है जो ये सब करता है, कोई तो करता होगा, ऐसे थोड़ी हो जाता है। तो ये बिल्कुल समझ में आ गया बात है कि लोगों ने इन चीज़ों को किया और इनकी इज्जत की। आप जो पुराने जो रिलीजन हैं उनको देखेंगे तो उसमें ताकत की होगी, इबादत होती है, पूजा होती है, आकर्षित करते हैं। जैसे जैसे इंसान का इल्म बढ़ता गया, मतलब हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में ये तो उन चीज़ों से जो सुपर नेचुरल खबर करता रहा। एक ज़माने में एक बीमारी होती थी, तो देवी नाराज हो गए, फिर बीमारी से जब इलाज मिल गया तो देवी चली थी। एक ज़माने में फ्लड आते थे इजिप्ट में, नाइल में, तो उसमें कहते थे कि नाइल का देवता नाराज हो गया और वो नाइल में बर्चित दिखते थे लड़कियाँ, देवता को भेंट कराएंगे तो खुश हो जाएगा। ये कौन लोग थे? ये बिल्कुल जाहिल लोग भी नहीं थे, ये वो लोग थे जिन्होंने पिरामिड बनाया, जो आज तक समझ में नहीं आता कैसे बनाया, लेकिन ये फ्लड कैसे आता हो नहीं मालूम था, तो डरते थे। तो ये जो डर है, ये लालच है कि जो मैंने पौधा बोया है ये उगेगा कि नहीं उगेगा, ऐसा तो नहीं है कि इसमें बिजली गिर पड़ेगी। तो ये फियर, सिक्योरिटी और फियर और होप, ठीक है, कोई सुप्रीम पावर है जो ऐसा कुछ चला। तो ये ख्याल आना बड़ा मन में आती बात के लोगों ने एक गॉड बनाया, अलग अलग इलाकों में गॉड अपनी अपनी मर्जी का लोग कहते हैं गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, मैन मेड गॉड। कमाल ये है कि महात्मा खुद जब जापान तक चले जाते हैं तो उनकी आंखें पतली हो जाती है, उनकी सूरज जापान में हो जाती है। तो हम अपना खुदा अपनी मर्जी करते हैं, ऐसे तरह से भी गोल, मतलब हमारे यहाँ पे भक्ति मूवमेंट नहीं है जिसने एक हालांकि शायद एक उन्होंने अद्वैत फॉर्म को वर्शिप किया, कोई एक उसका ज़्यादा सेक्युलर फॉर्म था, लेकिन it has awakened people, it has inspired people. Maybe my basic reader has taught me how to read. तो क्या करूँ, सुबह उठ के रोज बेसिक रीडर पढ़ा करूँ, ठीक। अब हो गया जिंदगी, ये जो आए थे डिफरेंट रिलीजन से, अलग अलग मजकों में, अलग अलग इलाकों में आए, उन्होंने कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया है, ऐसा भी नहीं था। लेकिन अब हो गई, अब आगे चली गई बात। अब मैं जो पढ़ता था रोज सुबह उठ के पढ़ूँ, कैसा इसे मैं कैसे पढ़ूँ, आगे निकल गया, पीछे रह गया। तो ये अब एक मॉडर्न टाइम देखिए, आज से 500 बरस पहले की जो था गलीलियो, उसने कहा कि भाई ये सूरज जो है ये नहीं घूमता घामता, ये तो जमीन ही घूम रही होती है, उनका इसको फांसी दे दो, तुम जेल में बंद करो, ये बोला हमारी बादल के खराब हो गई। वो लोग पागल नहीं थे, वो लोग जाहिल थे, उनका जो ज्ञान था और उनकी जो आस्था थी उसमें कोई डिफरेंस, वही उनका पेट था, वही पागल तो आप होते हैं लोग जब उनकी नॉलेज कुछ और होती है और उनका पेट कुछ और पागल। लेकिन हम इतने पागल हैं क्या बोली अच्छा, मुझे इशारा कर दिया गया है, अब टाइम हो गया है, रुकना पड़ेगा। एक सर एक राइटर स्क्रिप्ट गुरु कहते हैं रॉबर्ट मैकिन करके, जो राइटिंग के बारे में बहुत किताबें लिखी हैं। उनका एक स्टेटमेंट है स्टोरीज आर द इक्विपमेंट टू लिव, स्टोरीज आर द इक्विपमेंट टू लिव। कहानियाँ हमें जीने के काबिल बनाती, जिंदगी खुद जीने के काबिल नहीं बनाती, कहानियाँ हमें जीने के काबिल बनाती। जावेद साहब या सलीम जावेद, ये लोग हैं जिन्होंने हमें वो कहानियाँ दी, इन कहानियों ने हमें जीने के काबिल बनाया। सिर्फ एक राइटर, सिर्फ एक गीतकार या सिर्फ एक शायर, ये उनकी पहचान नहीं है। इन्होंने हमें सिखाया कि गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस से ज़्यादा ज़रूरी माँ होती है। तो इन अ वे जावेद साहब यू आर द कॉन्शियस कीपर ऑफ आवर जनरेशन। इन बारे में मेरे को और भी विचार है आपके भी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक बात याद रखना कि समाज में माँ की बहुत इज्जत है, समझ लेना। समाज में औरत बहुत बुरी हालत है। माँ आदमी, माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग है। माँ तो देवी है, माँ की पूजा होनी चाहिए। इतना माँ के बारे में बोलोगे तो मैं पूछूंगा कौन आदर नहीं है। इतना तुम टेंशन कर रहे हो ना, मैंने तो कभी नहीं सुना किसी से बाप आदर नहीं है, बाप के पैरों के नीचे सिर्फ तो नहीं ज्यादा थी, तो मैंने कभी सुना नहीं। बाप की तो पूजा होगी, कभी सुना आपने बाप की पूजा होगी कहीं? क्यों? ये माँ के नहीं हकीकत ये है कि इस मेल किसी भी मेल एक औरत चुन ली तो ग्रुप में हम औरतों की इज्जत करते हैं। जब हम ईमान है उसकी कितनी इज्जत करते, और इसका शेडो ये है कि दूसरी औरतें इज्जत के काबिल नहीं। बाप में झंझट नहीं, बाप की आदत नहीं है, बाकी पुरुष भी आदत नहीं है। वहाँ अलग से बोलने की जरूरत नहीं हो, तो टेक इट फॉर ग्रांटेड। जहाँ आप एक को चुनते हैं, और कौन सी माँ आदर नहीं है? मेरे बच्चों की माँ वो आदर नहीं है। और मेरी माँ, मैं पैदा हुआ था 17 जनवरी, 16 जनवरी को आदर नहीं थी। अगर 16 जनवरी को कुछ नहीं थी तो फैक्ट है कि मैं आदर नहीं हूँ। ये तो रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में बैठी हुई है, क्या अलग औरत है। जब आप हर औरत को आदर दे सकते, जो माँ को देवी बनाते, माँ देवी नहीं। और अक्सर हिंदुस्तान में ये लड़कियाँ जो हैं, ये नारियाँ हमारे लिए तो देवी है। देवी क्यों है भाई? ये इंसान क्यों नहीं है? मेरी ह्यूमन राइट नहीं है ना। हमारा धर्म है हमारे लिए बलिदान, हमारा धर्म नहीं तो तुम्हारे लिए बलिदान। और जितना तुम बलिदान करोगे उसकी अच्छी और अब तुम हमारी सारी इंजस्टिस कहो तभी देवी हो जाओ। किया है कि ये जेंडर को ये अभी चलेगा, क्या है गड़बड़ ये होगी जब हमको समझ में आ वो जो है अभी ये फ्रॉड एक्सेप्ट करने को तैयार है, वो देवी बनने को तैयार नहीं। मेरी बेटी को दुनिया की कोई ताकत देवी नहीं बना सकती। तो मैंने पता नहीं जरा अभी हम लोग को वक्त लगेगा ठीक हो रहे हैं। तो मुझे एक दिन में तो सरेंडर नहीं कर देंगे ना, कि मार खाका के सीधे हो। ठीक है, ठीक है। अभी थोड़ा इन्होंने कि थोड़ी सी कंसीड की ये है वो लॉन्ग और पीछे और ये इनवेरिएबल है। जैसे नॉट अ मैटर ऑफ ओपिनियन, ये ऐसा बोलता है इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। ये मैं पोइटिक जस्टिस की बात नहीं करता, इतने सालों इतनी सदियों तो क्या गुणवान हिंदुस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में। आप मुझे बताइए औरतों के बारे में, उनके साथ इनका जो ब्रेन है ना लॉजिकल और रैशनल है, ये इमोशनल क्रिएचर मानिए हालांकि मैं मानता नहीं हूँ पर डिस्कशन से मानता हूँ। तो इनको कलर का सेंस होता है। जितने फोक सॉन्ग हैं दुनिया में वो ज़्यादातर औरतों के बनाए हुए हैं, इन्हें म्यूजिक का सेंस होता है। ये दो शब्द होता है, बाकी तो बेचारियाँ कुछ नहीं जानती बात। तो दुनिया में कोई पिकासो औरत क्यों नहीं, कोई रंगना औरत क्यों नहीं, कोई डाली औरत क्यों नहीं, क्यों नहीं? इन्हें म्यूजिक आती थी तो कोई विधोन क्यों नहीं बनी, कोई बात क्यों नहीं बनी? They have been crushed. अब ये नहीं चलेगा, और ये कैसे नहीं चलेगा इसलिए नहीं, दुनिया में कोई पोएटिक तस्वीर नहीं है। पर किस लॉजिक से हुआ ये? पूरी दुनिया में 5-6 हज़ार women were confined in a very small space. अब जब आपके पास देखने को कम है तो आप कम में ज़्यादा देखते, आपकी आँख डिटेलिंग के लिए देखते। दूसरी ओर टेक्नोलॉजी जिसका इस बात से कोई संबंध नहीं, वो जहाँ आगे बढ़ती रही। कोई भी चीज़, आप खाना पका रहे हैं, आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं, आप एक मकान बना रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, कपड़ा सी रहे हैं, शुरू होता है ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे जैसे वो बनना शुरू देखा नहीं, अब उसके बाद वो कम हो गई, बन गई, धीरे धीरे उसमें नुआंस शुरू से वो ब्रॉड होते हैं। जैसे जैसे चीज़ बनना चाहती है, चाहे वो चाटे हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो एक मकान हो, चाहे वो एक खाना हो, जैसे जैसे वो बनता जाएगा उसमें नुआंस आती जाएगी, नहीं आएगी बारीक। 5,000 साल की अनबिटिकली द सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी वाज ट्रेनिंग द वुमन फॉर दैट पर्टिकुलर दैट डिटेल। टेक्नोलॉजी आने गई है कि आप पैदल हो, टच से हो, देख सकते हैं, वॉल लॉक सकते हैं। बट ये दो चीज़ें अब एक हो गई, नीड फॉर डिटेलिंग एंड नुआंसेस, एंड दिस पर्सन हु वाज ट्रेन्ड टू हैव डिटेल एंड नुआंसेस इज नॉट। ये दोनों एक हो रहे हैं। आप अगर जाइए किसी भी कंपनी के ऑफिस में, जाइए देखिए किस तरह रूम का नंबर बढ़ना है। एक लड़की में देखता हूँ जब क्रॉस कर रही होती है, हाथ में कागज लिए होते हैं, तो उनकी चाल में एक भंश होता है। शी हैज पावर एंड शी इज एंजॉयिंग इट। उधर से एक आदमी आएगा, थका हो जाए। ये सच है, उसके लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं है कि वो ये जॉब कर रहा है, ये काम तो कर रहा है, साल उसके लिए नई बात नहीं। ये तो ऐसा है कि रंजीत, अब ये एनर्जी कैपेबिलिटी ऑफ लुकिंग एट द डिटेल, और इनमें कंटिन्यूटी जरूर होती है। बिकॉज जो कंटिन्यूटी का जस्ट लड़की की आप देखते हैं, लड़के में नहीं, ये चेंज हो गया। ये जो था कि कपड़े की आती है ये पूरी नहीं थी, थोड़ी नीचे खींची हुई थी, कंटिन्यूटी में दर्द आ गया, ये वो देख सकते। तो अब ये जो डिटेलिंग है ये तो आ गया समय डिटेलिंग, ये तो औरत मन से वैसे ही कर जो शुरू में मन से भी गलत होती। भैया जहाज में चला रहा है, चप्पू कहाँ से कहाँ चला जा रहा था, की तरह घोड़े पर बैठा हुआ, तलवारें घुमाता हुआ ज़मीनें जीत रहा है। तो काम उसका था और उसने किया, बहुत बड़े बड़े बंधन तोड़े। लेकिन अब चीज हो रही है दुनिया, टेक्नोलॉजी अब बेचारा ऑब्सोलीट हो गया। उसकी ज़मीन उसके पैरों के तले से निकल रही है। वो कुछ भी कर लो, चिल्लाओ, को छोड़ बचाओ, ये सब वो रोकने वाला थे। 100 साल बाद, 150 साल बाद आप देखेंगे ये इनविटेबल शुक्र है कि हमारी उम्र नहीं हम नहीं होंगे, लेकिन ये तो होगा। थैंक यू सो मच जावेद साहब। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।